फिर आज तो सब लोग पढ़ने को तैयार हो गए होंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल आया है आप लोगों के बीच से यही आया है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की पोजीशन कैसे क्या होती है, पोजीशन इसके बारे में आप लोगों ने पूछा है सबसे ज्यादा। बिल्कुल अभी बताना चालू कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें रिवाइज करा दो। उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या था कि उत्तल लेंस जो था वो आने वाली किरण को मुखच की ओर ऐसे मिलाता था, मतलब इसको क्या कहते थे, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस क्या करता था, मुखच के समांतर आने वाली किरणों को ऐसे डाइवर्ट करता था, इसलिए इसको बोलते थे डाइवर्जिंग लेंस। अब इसके द्वारा कब कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले तो एक शॉर्ट ट्रिक जनरल याद करने का तरीका सीख लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक एक स्टेप करके प्रतिबिंबों का बनना बता रहे हैं। तो बात करते हैं हम लोग उत्तल लेंस की, और हमेशा याद रखने के लिए सबसे पहले सीख लेते हैं कब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये चीज पहले देख लेते हैं। तो ये क्या है मुखच, ये क्या है मुख अच, यहां पर ये क्या है उत्तल लेंस, क्या है ये उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस में ये क्या है F फोकस, और इधर क्या है F डैश, और इधर क्या है 2F, और इधर क्या है 2F डैश। अब देखते जाइएगा प्रथम फोकस गति फोकस, और इधर का प्रथम फोकस और गति फोकस, कब कहां पे प्रतिबिंब बनेगा एक एक स्टेप समझिएगा, हमेशा याद रहेगा आपको। सबसे पहले अनंत से शुरू करें वस्तु को रखना, और वस्तु तो ऐसे 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 करके बढ़ती है, और प्रतिबिंब फोकस से शुरू होता है और वो उधर ही बढ़ना शुरू कर देता है। वस्तु जैसे जैसे इधर बढ़ती है प्रतिबिंब वैसे वैसे उधर बढ़ता है। तो अब शुरू करा जाए एक एक स्टेप पे। सबसे पहले जो शुरुआत होगी यही से लिख रहे हैं कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर। कहां पर है, इस जगह लिख रहे हैं ऊपर ही, क्योंकि इस लाइन के बाद से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस वजह से हम इतने में ही लिख रहे हैं कि वस्तु जब कहां पर है, अनंत पर है। कहां पर है वस्तु, अनंत पर है, इधर 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 कहीं पर है ऐसे वस्तु अनंत पर। तो प्रतिबिंब गति फोकस के इस तरफ ये सब पूरा क्या है अनंत। तो वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। कहां पर बनेगा, फोकस पर। सबसे पहली बात, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा जाकर, इधर हम वस्तु की पोजीशन बता रहे हैं और इस तरफ हम किसकी पोजीशन बताते चल रहे हैं, इस तरफ सारी पोजीशन हम प्रतिबिंब की बता रहे हैं, इधर वस्तु की और इस तरफ प्रतिबिंब की। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर है, फोकस पर। और अगर वस्तु बिंदु है तो फोकस पर प्रतिबिंब भी कैसा होगा, बिंदु बनेगा। और वैसे अगर देखा जाए, अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ये पहली शर्त है वस्तु जब अनंत पर है, ठीक है, ये बात आ गई ना समझ में। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वस्तु थोड़ा सा आगे बढ़कर आई, अनंत से बढ़ आई, अनंत और गति फोकस जो ये दिख रहा है इसके पास आ गई। वस्तु कहां है, अनंत और गति फोकस के पास में, यहां कहीं वस्तु है। तो प्रतिबिंब अभी फोकस पर था तो इसके आगे बढ़ेगा प्रतिबिंब, तो कहां पे बनेगा, फोकस और गति फोकस के बीच में। कहां पर प्रतिबिंब बना, फोकस और गति फोकस के बीच में। अभी भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, और कैसा यहां पे भी कैसा था, उल्टा। और इन दोनों पोजीशन में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा। इन दोनों कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है, ठीक है। अब बात आती है तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन कौन है, वस्तु आ गई गति फोकस पर। कहां पर आ गई, गति फोकस पर। जब वस्तु गति फोकस पर आ गई तो प्रतिबिंब कहां तक जा चुका है, इन दोनों के बीच में जा चुका है। तो अब ये स्थिति बराबरी का आ गया, अब प्रतिबिंब भी गति फोकस पर ही बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा
कैसा होगा? बराबर होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा? बराबर होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। अब कहां तक आ चुकी? यहां तक वस्तु आ चुकी है, द्वितीय फोकस तक। अब वस्तु कहां आएगी? इसके अंदर। तो अब इसके अंदर चौथी जो कंडीशन आई है वो वस्तु द्वितीय फोकस और फोकस के बीच में होगी, मतलब टू यफ डैश और यफ डैश इसके बीच में वस्तु होगी। जब इन दोनों के बीच में वस्तु होगी तो पृथ्वी में यहां तक जा चुका था बराबर, तो अब इसके आगे और आगे जाएगा, मतलब पृथ्वी में कहां जाएगा? द्वितीय फोकस और अनंत के बीच। कहां जाएगा? द्वितीय फोकस और अनंत के बीच में। और उल्टा होगा, अभी भी उल्टा होगा पृथ्वी, लेकिन अभी तक वस्तु के बराबर पहुंच चुका था, अब वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बना, वास्तविक बना। कैसा बना? उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु से बड़ा बना। कैसा बना? उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु से बड़ा बना। अब कहां तक पहुंच चुकी है वस्तु? द्वितीय फोकस और फोकस के बीच में। अब अगली शर्त क्या है? इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको ऊपर रफ कर दे रहे हैं, आप लोग इसका लिख लीजिएगा कहीं पर, अगर भूल रहे हो तो लिख लिख करके याद करिएगा। अब यहां तक आ चुकी है वस्तु, अब कहां पहुंचेगी? इस पर, यफ डैश पर। अगर वस्तु यफ डैश पर पहुंच गई, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां पहुंच चुका है? टू यफ और अनंत के बीच में यहां पहुंच चुका है ना, तो अब प्रतिबिंब कहां सीधे चला जाएगा? अनंत पर। कहां पर चला गया? अनंत। और अभी भी है उल्टा ही, बहुत बड़ा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या कहें? बस हमने लिख दिया कि कहां पे बना जा करके? अनंत पर प्रतिबिंब बना। एक बात आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर था, और अब की बार जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर है। ये दोनों अगर आप सही चल रहे हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो ये बातें बराबर आनी चाहिए। ये बात तो आ गई ना समझ में? अब देखो, अब वस्तु और भी अंदर आई, लेकिन ये सारे प्रतिबिंब वास्तविक है। ये वाला भी जो कंडीशन है इसको भी हम किसकी स्थिति में लिखते हैं? वास्तविक की स्थिति में। अब आप वस्तु कहां लेकर के आए? फोकस। और ये जो लेंस देख रहे हो, लेंस का चाहे प्रकाशित केंद्र के बीच में कह दो, चाहे कह दो कि फोकस और लेंस के बीच में, चाहे आप ये कह दो कि वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रखी हुई है, या आप ये कह दो कि वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखी हुई है। तो जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब अब अनंत के आगे कहां जाएगा? अनंत तक तो जा चुका है, तो ये वापस लौट करके इधर आ जाएगा, किस तरह? इधर ही बनने लगेगा। और प्रतिबिंब किधर बनेगा? अभी लेंस के पीछे बन रहा था, अब लेंस के सामने बनने लगा। इस कंडीशन को अलग से याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी तक वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे थे, अब की बार का प्रतिबिंब आभासी है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी है। और कैसा है? अभी तक उल्टे बन रहे थे, अब प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। ये सारी कंडीशंस हैं उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की। अब जरा ये जो चित्र आप इसमें देख रहे हैं, इसमें एक बार फिर से पूरी बात हम एक एक करके बताते हैं और उसके बाद आपको डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने तुमसे क्या कहा, ये एक लाइन याद रखो, मुखच, ये क्या है? उत्तल लेंस। और इस उत्तल लेंस में ये क्या है? यफ। और इधर भी ये भी प्रथम फोकस इसका यफ डैश। ये क्या है? टू यफ। और ये क्या है? टू यफ डैश। अब एक एक शब्द कैसे याद करोगे? जब वस्तु अनंत पर है, कहां है वस्तु? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर है? फोकस पर। और कैसा है? उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। अब वस्तु को हम आगे लेकर आए तो कहां तक आ गए? अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब और खिसक गया फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में, और अभी भी कैसा है? उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। अब हम थोड़ा और अंदर लेकर आए द्वितीय फोकस पर। वस्तु को जब द्वितीय फोकस पर ले आए तो प्रतिबिंब भी कहां पहुंच गया? द्वितीय फोकस पर। और अब की जब बराबरी का मामला है तो फिर प्रतिबिंब भी बराबर का है
और अभी भी वास्तविक है और उल्टा है। अब वस्तु और आगे चली द्वितीय फोकस और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब भी और आगे चल गया द्वितीय फोकस और अनंत के बीच में। अभी भी उल्टा है, वास्तविक है, लेकिन अब की बार वस्तु से बड़ा है। अब वस्तु पहुंच गई फोकस पर, तो प्रतिबिंब पहुंच गया अनंत पर। अब अनंत के आगे कहां जाएगा? वस्तु और इन दोनों के बीच में आ गई, तो प्रतिबिंब वापस पलटकर इधर बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये शर्त होती है प्रतिबिंबों के बनने की। अब एक एक करके चित्र हम आपको फोटो भेज देंगे, अगर किसी का चित्र आपको अलग से पता करना है या आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।